है? अरे कहाँ, यहाँ तो आदमी नहीं दिख रहा, कहीं आ गए हुए हमारे लोग, बताओ कहाँ, यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा, एक सीनियर लीडर नहीं है यहाँ, बताओ। तुम रुकवाना सब लोग, गाने में देना कि भैया ने मना किया, ठीक है? अब हमारी साइकिल अकेली भी जाएगी तो चले जाएंगे, ठीक है? चलो आगे ले आओ भैया, आप आओ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैंने कल खबर दिखाई थी कि किस तरह से तिरुपति मंदिर के 17 ट्रस्टी में से एक ट्रस्टी के पास 127 किलो सोना, 106 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। अब उसका साइड इफेक्ट भी दिखने लगा है। जैसी ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है, तिरुपति मंदिर के पुजारी जो हैं वो सारे के सारे प्रधानमंत्री के घर पहुँच गए हैं। एक रेड ने मंदिर के पुजारियों को दिल्ली पहुंचा दिया है। ये तस्वीरें देखिए, सूर्य प्रताप सिंह ने इस तस्वीर को ट्वीट किया है। आज की सारी बड़ी खबरें बताऊंगा सोशल मीडिया पर आज क्या खबरें वायरल है, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये देखिए, प्रधानमंत्री के साथ ये सारे पुजारी तिरुपति मंदिर के हैं, उस तिरुपति मंदिर के जहाँ 27 दिसंबर को एक रेड होता है और 16-17 ट्रस्टी में से सिर्फ एक ट्रस्टी रेड्डी के यहाँ 117 किलो सोना, 106 करोड़ रुपए और लाखों करोड़ों का डायमंड मिलता है। अब वहाँ के पुजारी सीधे प्रधानमंत्री के घर में एक्सेस करते हैं, लेकिन सूर्य प्रताप सिंह ने इसको दूसरा रूप दिया है। उन्होंने इस तस्वीर में दिखाया है कि किस तरह से तिरुपति से आए हुए लोग जो हैं वो खाली पैर हैं और प्रधानमंत्री के पैर में जूता है। तो विराट हिंदू की झलक आप भी देखिए, अंधभक्त चाहे तो इस पर सफाई दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है आज की। तो क्या माना जाए कि जिस ट्रस्टी के यहाँ छापे पड़े उन लोगों ने अब तिरुपति मंदिर के बाकी ट्रस्टियों के यहाँ छापे पड़े न पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री के यहाँ आए हैं, कहा तो ही जा सकता है। दूसरी तरफ बता दूं कि अब तक 500 के करीब अपोजिशन विरोधियों के यहाँ छापे पड़ चुके हैं, लेकिन सोचिए, किसी ने लिखा है कि चार लोग देश चला रहे हैं, दो गुजराती देश बेच रहे हैं और दो गुजराती खरीद रहे हैं। अब तक माल्या, नीरव मोदी, माल्या, इन लोगों के यहाँ क्यों नहीं छापे पड़े? ये लोग विदेश कैसे भाग गए करोड़ों अरबों रुपए लेके? आखिर किसी एक गुजराती के घर पर छापा क्यों नहीं पड़ता है? सवाल ये पैदा होता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिस तरह से पीयूष जैन के घर छापा पड़ा, बाद में फिर पम्मी जैन के घर छापा पड़ा, 250 करोड़ रुपए मिले थे लगभग, उसको रफा दफा कर दिया गया, तो क्या लोग सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अगर आप सरकार के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, तो आप बचेंगे, नहीं तो आपके खिलाफ रेड होगा। इसी तरह की कार्रवाई हुई थी दैनिक भास्कर अखबार के खिलाफ, जिसने लॉकडाउन 2 के दौरान, कोरोना 2 वेव के दौरान कुछ मौत की खबरें छापी थी, उसके बाद उसके सारे ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सीबीआई तोता है, तो क्या मान लिया जाए कि सरकार जो है वो ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है, नारकोटिक्स विभाग का दुरुपयोग कर रही है? इससे पहले लगातार चाहे वो लालू यादव हो, मायावती जी हो, मुलायम सिंह यादव हो, या फिर ए राजा हो, कनिमोड़ी हो, इन सबको गलत तरीके से फंसाया जाता रहा है, तो इससे विश्वसनीयता खत्म हो रही है। चुनाव आयोग को लेकर भी लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों से तो सवाल उठता है कि क्या तिरुपति मंदिर के एक ट्रस्टी पर छापे के बाद तिरुपति के सारे पुजारी प्रधानमंत्री के यहाँ मत्था टेकने आ गए? ये सबसे बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर एक कारवा मैगजीन का देखिए, इसमें योगी को द रिजीम ऑफ टेरर कहा गया है। और आज की सबसे एक और बड़ी खबर है, चंद्रशेखर आजाद रावण की गिरफ्तारी हुई है। यह खबर भोपाल से है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जिस तरह से मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसके खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। ये तस्वीरें देखते जाइए मेरे तरफ से। और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ये वीडियो चल रहा है, ये देखिए, महेंद्र सिंह लोधी जो हैं, जो युवा नेता हैं, ओबीसी महासभा से जुड़े हुए हैं, वो लगातार वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं। और चंद्रशेखर रावण को भोपाल एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया है, वो रैली में जाने वाले थे। और एक और खूबसूरत आज की तस्वीरें भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तमाम ये बड़ी खबरें देख लीजिए। और सोचिए, मध्य प्रदेश में पुलिस कह रही कि कोरोना की वजह से ओबीसी को प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है। वहीं एक दिन पहले आरएसएस का पंच संचालन होता है, इसका स्क्रीनशॉट तस्वीरों में लगाएं। और ये चंद्रशेखर आजाद रावण का वीडियो देख लीजिए, एम्बियंस सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए, उनको अरेस्ट किया गया है। अरे कहाँ, यहाँ तो आदमी दिख रहा, कहीं आ गए हुए हमारे लोग, बताओ कहाँ, यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा, एक सीनियर लीडर नहीं है यहाँ, बताओ
तुम रुकवाना सब लोग, जाने में देना कि भैया ने मना किया, ठीक है। अब हमारी साइकिल अकेली भी जाएगी तो चले जाएंगे हम, ठीक है। चलो आगे ले आओ भैया, और दलित बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या ने निर्भया कांड की स्मृति एक बार फिर से दोहरा दिए। बिहार के वैशाली जिले में जिस तरह से दलित बच्ची के साथ रेप हुआ, दो आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन उसके बाद उनको न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है, तो ये कैंडल मार्च लगातार किया जा रहा है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। एक और ये वीडियो देखिए, अहमदाबाद के जीएलएस कॉलेज कैंपस का है, जहाँ एनएसयूआई गुजरात के राजवंशी नाम के एक दलित छात्र को एबीपी के गुंडों ने बदमाशी की और उनसे जय श्री राम बुलवाने के नारे लगवाए। वीडियो सुन लीजिए। ये वीडियो जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट किया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मर्यादा अम्बेडकर लिखती हैं कि चार गुजराती देश चला रहे हैं, दो बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं, बाकी सब ताली थाली और हिंदू मुसलमान में व्यस्त हैं। यतीन्द्र जो नरसिंहानंद है, यति नरसिंहानंद, उसके खिलाफ भी अब FIR दर्ज हो गया। जिस तरह से धर्म संसद के नाम पर उसने हेट स्पीच दिया था, उसके खिलाफ भी केस दर्ज हो गया है। देखते हैं उसकी गिरफ्तारी कब होती है। और OBC के लोगों देखिए किस तरह से प्रदर्शन नहीं करने दिया गया, वो सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। गैंगरेप आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर CM योगी से मिलने पहुंचे। तो सोचिए, जिस शख्स पर अभी भी आरोपी हैं वो हाईकोर्ट से भले बरी हो गए हों, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सकता है। गैंगरेप आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर CM योगी से मिलने पहुंचे, सबसे बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है। तो ये आज की बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और सोचिए कि ये इस देश में चल रहा है, इस पर TV अखबार कोई बात नहीं करेगा। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।